तो हम जो थर्ड क्वेश्चन है क्या है, नेचर ऑफ द लाइट, नेचर लाइट का नेचर क्या हो सकता है। तो हमको जब इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से तीन नेचर निकलता है लाइट का। पहला नेचर है रे, जो कि इस बोर्ड पर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि रे जो पहला नेचर है जो कि सिर्फ रिफ्लेक्शन में ही दिखेगा, ठीक, रिफ्लेक्शन में। और जो दूसरा नेचर है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में निकल सकता है। रे जो नेचर है लाइट का, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों माध्यम में मिलेगा, बल्कि वेव नेचर नहीं मिलेगा उसमें। वेव नेचर किसे मिलेगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर जो वेव नेचर है सेकेंड पार्ट, जो कि हमको कब पढ़ना है, वेव नेचर 12th क्लास, 11th क्लास में, ठीक है। वेव नेचर किसे पढ़ना है, 11th क्लास में, ठीक है। फिर क्या है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर इसे 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो 12th क्लास में जब हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर, उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे, जिसमें हमको पता चलेगा कि जो पार्टिकल नेचर है किस तरह पार्टिकल और पार्टिकल जाता है और किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। तो हम उसमें देखेंगे कि जो पार्टिकल नेचर लाइट का जाता है और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, वो पार्टिकल नेचर को हम बोलते हैं फोटोन, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिलेगा। तो ये तीन नेचर है, ठीक है। तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बल्कि हम ये बताने वाले हैं कि किस तरह से हम नेचर को डिटरमाइन करेंगे किसी लाइट का, ठीक है। तो पहला रे है, सेकेंड वेव है, और थर्ड पार्टिकल नेचर है, ठीक है। अगर हम जो अगला टॉपिक जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, जो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा वो फोर्थ क्वेश्चन, जो कि किससे रिलेटेड रहेगा, लाइट से है, मगर वो रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है।